अभी हम इतनी प्यारी सी जगह पे आके सीजन का पहला खुबानी खा रहे हैं। हमारा मटन यखनी भी आ गया, हमारा सामान भी यहाँ पर पड़ा हुआ है और अभी हमारा दोस्त हमें लेने आ गया। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल कमरान विलेज ब्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते हुए रहें। आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया, मैं फिर से जा रहा हूँ स्कर्दो, लेकिन इस दफ़ा मैं सिर्फ स्कर्दो नहीं जा रहा, स्कर्दो में सिर्फ 5 से 6 दिन रहूँगा, उसके बाद हुंजा जाऊँगा, तो बड़ा ही मज़ा आएगा। और अभी हम बाइक पर जाने लगे, अपना बाइक लेकर जाएंगे और सामान जो उनसे हमने रात को गाड़ी में भेज दिया था वो स्कर्दो पहुंच भी गया सामान। बस अभी हम यहाँ से बाइक पर निकलने लगे हैं, थोड़ी देर तक कभी तैयार होकर आ रहे हैं, बस उसका वेट कर रहा हूँ। जो लोग भी मेरा चेहरा पहली दफ़ा देख रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज का अपना ये ब्लॉग इस प्यारे दिन से शुरू करते हैं। इसके साथ कबीर भी आ गए, तो बस अभी यहाँ से रवाना होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला स्टॉप जोन से बरा पर लगा है और ये जो गांव है ना, यहाँ पर मैं पहले भी आया था और यहाँ पर एक जगह है क्रिस्टल क्लियर लेक, तो बड़ा ही प्यारा लेक है, तो सोचा कि यहाँ पर बैठते हैं। और हमने दुकान से जूस भी ले लिए थे और दो बच्चे जोन से ना खुबानी सेल कर रहे थे, तो हमने वहाँ से उनसे खुबानी भी ले लिया। तो फिर कबीर ने बोला कि यहाँ पर जो लेक है वहाँ पर बैठते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर वहाँ पर ये खुबानी जूस वगैरह पी के यहाँ से अपना सफ़र फिर से शुरू करेंगे। माशाल्लाह कितना प्यारा लेक है, क्रिस्टल क्लियर लेक है, साफ बिल्कुल शीशा है। देखिए अंदर की जो घास है ना वो तक नज़र आ रही है, और हम ऊपर रोड पर ना बाइक हमने ऊपर खड़ा किया और ये सामने ये लेक था, मतलब ऊपर मेन रोड बनता है और सामने ये लेक नज़र आता है। अभी हम इतनी प्यारी सी जगह पे आके सीज़न का पहला खुबानी खा रहे हैं। ये खो है कि मीठा वाला है, पता नहीं, खा के चेक करते हैं। मीठा वाला है, इसमें एक कड़वा आता है, वो बहुत ही कड़वा होता है, वो उसकी जो अंदर गिरी होती है ना वो भी कड़वी होती है, ये मीठा वाला है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लिया, अभी वापस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर बाइक हमने खड़ी की थी, और बस अभी ये जूस भी पी के ख़त्म करते हैं। दूसरा स्टॉप जोन से हमने गोल पर किया है, गोल पहुंच गए और यहाँ से आगे जो स्कर्दो का रास्ता होगा वो इंशाल्लाह 40 से 45 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर जो होटल है बिस्मिल्लाह होटल, उसमें जाके हम खाना छाना खा लेते हैं और तब तक फ्रेश भी हो जाता है, क्योंकि धूल मिट्टी से बहुत बुरा हाल हो गया है। और इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा थक गया, क्योंकि पिछली दफ़ा मैं नहीं थका था, पिछली दफ़ा बाइक पर ही आया था, पिछली दफ़ा इतना नहीं थका, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा थक गया। हमारा मटन यखनी भी आ गया और इसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री सब्जी और कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया अल्लाह बरकत। मैं आप लोगों को इस होटल की एक बात भी बता देता हूँ, ये जो होटल है ये पहले वहाँ पर हुआ करता था, और हम पहले जब बचपन में यहाँ से स्कर्दो की तरफ जाते थे या स्कर्दो से वापस अपने गांव की तरफ जाते थे, तो इस तरह हम गाड़ियाँ यहीं पर रोकते थे और यहाँ खाना छाना खा के जाते थे। तो ये जो बिस्मिल्लाह होटल है ये पहले वहाँ पर हुआ करता था, तो अभी जो सा ये यहाँ पर हुआ है तो अभी भी बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर।
शुक्र है यार, तो फाइनली हम स्कर्दू पहुंच चुके हैं और अभी हम मौजूद हैं जलगाट बस अड्डे पर। सुबह के टाइम हमने अपना जो सामान भेजा था ना गाड़ी वाले के साथ, उसको अभी कॉल किया तो उसने कहा कि यार सब्जी वाले भाई को दिया हुआ था, तो हमारा सामान भी यहाँ पर पड़ा हुआ है और अभी हमारा दोस्त हमें लेने आ गया, शुक्र और रियान। क्या हाल है छोटू? रियान और शुक्र हम दोनों को लेने आ गए थे। अभी हम शुक्र के साथ यहाँ से उनके घर जाएंगे, थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद जो उनसे यहाँ से अपना सामान भी पकड़ लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। बैग यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये मेरा वाला बैग भी है। शुक्र के घर पहुंच चुके हैं और शुक्र ने यार इतनी ज़्यादा सब कुछ अभी फ्रेश उतार के लाया है शुक्र खुद, तो ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें शुक्र ने खुद बनाई यहाँ पर। एक्सपेरिमेंट करता रहता है शुक्र, खुद शेफ भी है तो चीज़ें बनाता रहता है। क्या क्या बनाया शुक्र? इसमें प्लम का है जैम और चेरी का है और ये इसको गुरदालू बोलते हैं हम यहाँ पे। इसका बनाया? जी जी इसका है। बाकी ये तो कुरबानी मरगुलम फ्रेश है। और ये उतारा है, ये यहाँ का लोकल डेजर्ट है। ये अच्छा, बकवीट से बनाया हुआ है। अच्छा, बकवीट में से इसका जो बकवीट में वो कुछ होता है ब्लैक ब्लैक सा, वो निकाल दिया है और ये आलू बुखारा और ये हमारा स्पेशल नमकीन चाय। अभी बस यहाँ पर चाय चाय पीते हैं और आज का मैं अपना व्लॉग भी यहाँ पर ख़त्म करता हूँ क्योंकि अभी टाइम जोन से शाम के 6 बज रहे हैं, तो इंशाल्लाह कल तक कबीर भाई को हम छोड़ने जाएंगे एयरपोर्ट पर। आज का मैं अपना व्लॉग भी यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।